हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हमारे जो गांव में एक्सपायर होते हैं उनको हो गए थे आज 13 दिन। तो आज मुझे करनी है सफाई, मतलब रसोई की सफाई करनी है और फ्रीज साफ करना है। तो सुबह सुबह ये काम है, फिर खाना बनाएंगे। तो आज भगवान की पूजा भी मैंने आज की है। तो मंदिर साफ किया पहले सुबह, फिर पूजा की। तो ये काम है, तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी, क्योंकि मंदिर तो मैं सुबह ही साफ कर ली थी तो वो मैं शेयर नहीं कर पाई, लेकिन फ्री साफ करूंगी अभी। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ से गाड़ी जा रही है, रोड है ना, तो बस के हॉर्न सुन रहेंगे आपको। और मेरे आईब्रो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मेकअप देखो कब बनाती हूँ। और अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अब कर लूँगी मैं फ्रिज को साफ, सारा सामान बाहर निकाल दूँगी, जो भी सामान है, तो छोटे मोटे जो भी है, नींबू है, अदरक है, सारी इस मतलब चोलिए में डाल के रख दूँगी, जो एक जगह पड़े रहेगा। और आप लोगों को तो पता ही है फ्रिज में काफ़ी सामान रहता है हमारा, जो हमें रात दिन यूज करते हैं हम। तो मैंने सारा निकाल दिया है, और अब जैसे ऐसे इतना गंदा नहीं था, क्योंकि मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ फ्रिज को, तो इतना गंदा नहीं था। लेकिन फिर भी वो क्या होता ना, मतलब सूतक था, तो सूतक का हमें पूछना ज़रूरी था। तो मैं इसको पूछकर सारा सामान फिर अंदर रख दूँगी। और इसकी मतलब सूतक था, इसकी वजह से चलो पूछा भी जाएगा, नहीं तो ये सोचती कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे, ये सब सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता है। तो बस यही, मैं थोड़ा सा साबुन लगा के या फिर सरफ लगा के, आप कुछ भी लगा के साफ़ कर लो तो क्लीन हो जाता है। और रोज़ साफ़ करना ज़रूरी नहीं है, रोज़ साफ कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। हफ्ते में या फिर 15-20 दिन से साफ को करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर फ्रिज में बदबू आने लग जाती है, क्योंकि फ्रिज में हमारा सारा सामान रहता है, सब्जियाँ रहती है, और भी दूध दही घी सारा सामान रहता है। तो इसकी वजह से तो साफ़ तो हमें करना ही चाहिए, हमारे घर हो या घर की सारी चीज़ें हो, उसको मेंटेन रखना एक लेडीज का ही मतलब होता है, मेंटेन रखने का। तो जेंट्स का काम होता है बाहर का काम देखना, लेडीज़ का काम होता है घर का काम देखना। और ऐसा नहीं है कि लेडीज़ बाहर का भी नहीं देखती है, बाहर जो लेडीज़ काम करती है, जो जॉब करती है, वो बाहर का भी देखती है, घर का भी देखती है। लेकिन हम तो हाउस वाइफ है, तो हमें तो हाउस को ही देखना पड़ता है, उसको ही मेंटेन रखना पड़ता है, जो हमारा काम है वही हम करते हैं। तो मैं यहाँ अच्छे से इसको कर लूँगी, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता घर साफ़ नहीं रहता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर को क्लीन रखना ही चाहिए। और थोड़ा सा ना मेरा शरीर थोड़ा, आप देख सकते हो, हैवी है मेरी बॉडी, तो उठने बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इसी उम्र में ये हाल है तो आगे जाके क्या हाल होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने शरीर को कैसे कम करूँ, अपने वज़न को कैसे कम करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। और खाना मेरे से कम नहीं होता कि मैं खाना कम खा लूँ, वो बिल्कुल नहीं कर पाती मैं, खाना मैं फुल खाती हूँ, जैसे जितना खाना चाहिए। कई लोग होते हैं ना कि चलो मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए कम खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकती कम, मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। और तो यहाँ पे मैंने अंदर से सारा फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया है, और बाहर से भी साफ़ कर दूँगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, फिर सारा सामान फिर से अंदर रख देंगे। तो ये काम था, तो ये हो जाएगा आज। तो यहाँ पे हो गया है, देखो ये सब्ज़ी वगैरह सब मैं यहाँ पे रख दूँगी, पूरा साफ़ हो गया है, सारा सामान रख दिया है मैंने अंदर। और ये हरी सब्जियाँ हैं जो हम रोज़ खाते हैं। तो फ्रिज की लाइट कर दूँगी मैं ऑन, जब भी आप लोग फ्रिज ऑन साफ़ करो तब ऑफ़ कर देना चाहिए, वैसे तो आप लोगों सबको पता ही होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ जो मैं करती हूँ वो। तो हो गया देखो क्लीन पूरा, फ्रीज हो गए हैं पूरा क्लीन। और अब करने मुझे थोड़े से बर्तन साफ, जो जितने भी बर्तन होते हैं ना उनको उसको पूरा साफ़ करना है, वैसे साफ़ किए हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें ना सरफ का पानी डालकर वो साफ़ करना है, तो वो मैं अब साफ़ करूँगी। तो सारे बर्तन देखो मैं निकाल लूँगी, जितने भी यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, और इनके नीचे जो मैंने बिछा के रखी थी पॉलीथीन थैली, आप जो भी बोल सकते हो, तो वो मैंने धोकर रख दी है। तो वो धोकर पहले ही रख दी, क्योंकि सूख जाए
और सूख जाने के बाद में सारे बर्तन वापस सेट भी करने हैं ना, इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब जो सूतक और जो श्यावड़, हमारा बच्चा होता है किसी को तो उसको बोलते हैं श्यावड़, और जो कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसे बोलते हैं सूतक। तो आप लोगों क्या बोलते हैं प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि जैसा देश वैसी भाषा, जैसा भेष वैसी, मतलब देश जैसा देश वैसा भेष और वैसी ही भाषा। तो हर कल्चर अलग अलग होता है, हर देश का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर वही बात है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा ही होता है। तो अब हो गया है ये काम, रहता है सबको, मतलब सेट करना पड़ता है, धोना, साफ सफाई वो सब करो। तो मुझे इतने सारे बर्तन धोने हैं, उनको साबुन ही लगाऊंगी मैं, थोड़े से सरफ का पानी डालकर धो लूंगी। इतने इतना लगा मतलब कष्ट का काम नहीं है, लेकिन जो रीति रिवाज होती है वो हमें निभानी पड़ती है, हमारी फैमिली की, हमारे कल्चर की, हमारी क्या क्या हो। तो जहाँ पीछे मेरी बालकनी है वहाँ पर मैं सारे बर्तन लेके आ गई हूँ, और एक टप में मैंने सरफ का पानी डाल लिया है। इसमें सरफ डाल के तो यहाँ पे सारे बर्तन ऐसे ही निकाल कर और फिर अच्छे पानी से धो लूँगी। बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं घर में, सच में बहुत ही ज़्यादा, तो ये सारे मुझे धोकर रखने हैं। तो रसोई मैंने फिर शाम को साफ़ की थी, ये दोपहर में मैंने कर लिया था क्योंकि बर्तन हो गए थे साफ। और आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि एक पाँव में पायल है और एक पाँव में नहीं है, क्योंकि मेरी एक पायल निकल जाती है बार बार, तो मैंने पहनी नहीं वो निकली, तो अब दूसरी पहनने का मुझे टाइम नहीं मिला और मैं पहनी भी नहीं, इसकी वजह से एक में ही पहनकर बैठी हूँ। तो मेरा ये काम हो गया है, किचन मतलब किचन अभी साफ करना है मुझे, और तो फरी साफ हो गया, बर्तन भी सारे साफ हो गए। तो लंच बना लिया है, लंच खाने के बाद में सारे बर्तन वगैरह साफ करने के बाद में, जो भी लंच के बर्तन होंगे सब साफ करने के बाद में किचन को भी मैं साफ कर दूंगी, तो फिर पूरा साफ हो जाएगा। तो बस आपको दिखा दो, देखो मैंने कितने बर्तन साफ किए, घर में इतने बर्तन होते हैं पता नहीं, एक साथ बर्तन धोए तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा लंच हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ बर्तन जो भी मैंने साफ किए अभी। देखिए इतने सारे बर्तन मैंने वॉश किए हैं, एक ऊपर ये पड़ा है और एक ये नीचे पूरा फुल भरा हुआ है, और यहाँ पे भगवान के पर्दे और ये सब मैंने धो के रख दिए हैं, तो ये सूख जाने के बाद में लगा दूंगी। ये भगवान का पर्दा है, ये भी मैंने धो दिया है, साफ कर दिया है, और ये सारे बर्तन मैंने सब साफ कर दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा काम होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो और मैं देखती हूँ देव क्या कर रहा है उधर, पता नहीं क्या खुटपट खुटपट कर रहा है। क्या कर रहा है तू? हाँ कलर कर रहा है। इसको सबके रख के आओ, अंदर रख के आओ, सब कलर कर रहा है। देखो कुछ नहीं करता, उल्टे सुलटे काम आते हैं इसको सारे, एक भी सही काम नहीं करता। देखो अंधेरा आता ना इधर से, गेट कोई नहीं बजा रहा, तू ही बजा रहा मुझे पता है। तो फिर व्लॉग का कर देती हूँ एंड, और किचन वगैरह सबका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो ये पहनी है मैंने आज पिंक वाली साड़ी, ये तो आप लोगों को पता ही है, जब पहनती हूँ तब दिखाती हूँ आपको कौन सी साड़ी पहनी है। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज मेरा फेस कैसा ही हो रहा है, मतलब काम करके थक गई और अभी इतना काम पड़ा है बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, घर का काम तो करना ही पड़ेगा,
ये तो परंपरा बना दी है कि कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद मरने के बाद में साफ सफाई करो, वो दो जाने वाला तो चला जाता है लेकिन पीछे वाले भी थोड़े से परेशान तो होते ही हैं। तो देखो 12 दिन हमारे घर में पूजा भी नहीं हुई, 12 दिन, क्योंकि हमारी लड़कियां पूजा कर लेती है, लड़कियों को ऐसा नहीं है लेकिन जानवी है लेकिन वो नहीं कर पाती ना अच्छे से, एक टाइम कर लेती फिर एक टाइम अच्छा नहीं लगता, दोनों टाइम वो नहीं कर पाती, दिमाग ख़राब कर देती, बार बार बोलना पड़ता, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है ना इसलिए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने फिर पूजा की नहीं, छोड़ दी। आज मैंने भगवान की पूजा अच्छे से की है तो भगवान भी अच्छे, मेरे घर में पूजा हो तब अच्छी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आज भगवान के पर्दे वर्दे निकाल दिए हैं धोने के लिए और साफ भी कर दिया है और भगवान को सेट भी कर दिया है, तो ये सारा काम हो गया है। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए आर्मी।